मतदान की तारीख बदलने को लेकर कोटा के समाज सेवी हिम्मत सिंह हाड़ा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल कोटा जिला कलेक्टर से मिल उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें लिखकर दिया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव हेतु मतदान की तारीख 23 नवंबर घोषित की गई है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और राजस्थान सहित पूरे भारत में लगभग शादियां रहेगी, सैकड़ों वैवाहिक आयोजन रहेंगे, लाखों मतदाता अपने स्थानीय शहर और गांव से इधर से उधर होंगे। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कई अधिकारी व कर्मचारियों के घर में भी मांगलिक आयोजन रहेंगे। देवउठनी एकादशी दूज सावा होने के कारण मतदाता अपने मतदान का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जो उनके मूलभूत अधिकार का हनन है। एक और तो चुनाव आयोग 100% मतदान करने के लिए कई जागरूकता रैलियां करती है, उसमें देवउठनी का निर्णय उचित नहीं, अतः 23 नवंबर के आगे कोई भी तिथि तय करें ताकि चुनाव आयोग के द्वारा होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में आमजन के मतदान 100% हो सके। यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व की जो घोषणा हुई है 23 नवंबर देवउठनी 11 पर, जिसको लेकर के सभी भारत की जनता एकदम सदमे में है कि एक तरफ देवउठनी 11 बहुत ही अभूत सावा है और सभी लोग शादी की व्यस्तता में व्यस्त रहेंगे, गांव शहर से एक दूसरी जगह पर जाने का काम होगा, बसों की और जीपों की व्यस्तता इतनी रहेगी कि प्रशासन उनको पाबंद कर लेता है। ऐसे में प्रशासन जब लोकतंत्र का अधिकार बताते हुए जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, ऐसे में ये घोषणा करना कि 23 नवंबर को मतदान होगा, ये लाखों लोगों को इससे वंचित करेगा। जहां पर एक महापर्व का इंतजार होता है 5 साल, एक जो जनता अपने अधिकारों का मतदान का प्रयोग करती है और उस प्रतिनिधि का चयन करती है जो पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, ऐसे में वो स्वाभिमानी व्यक्ति जो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के सपने संजोकर बैठा हुआ है और किसी दूसरी जिले में जाकर अपने बच्चे की शादी ब्याह कर रहा है, उसके कारण जो रिश्तेदार वहाँ पर जाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं रिचार्ज की तरह कि वो उस विधानसभा में होकर के मतदान का प्रयोग कर सके, उसको मजबूरी में उसी पोलिंग बूथ पर आकर के अपने मतदान का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वंचित रह जाएगा और इस कारण से लाखों लोग इस महापर्व से दूर हो जाएंगे। तो हमने आज जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमने जिला अपने जो अपने चुनाव आयोग है केंद्र जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, हमने उनके नाम पर ये ज्ञापन दिया है कि अभी भी संशोधन करके 2 या 3 दिन बाद आप इसकी तारीख रख दें, जिससे कि इस महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिले। और आज यहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ सभी सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, तो हम ये निवेदन करने आए हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई आंदोलन की बात नहीं, प्रशासन को हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, जिससे कि सभी अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाएं। जय हिंद, भारत की जय।